छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट सेल्स एजेंट नरेश कुमार साहू से पूरब टाइम्स ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। आपका नाम? नरेश कुमार साहू। ठीक है, इस फील्ड में सर कब से है सर? चार महीने से। ठीक है सर, जैसे कोई भी कस्टमर आता है आपके पास, उसमें आप क्या प्लान बताते हैं कस्टमर को, बता सकते हैं? जैसे कस्टमर लोग पूछते हैं कि प्लॉट लेना है जी, तो उसमें इम्यूनिटीज क्या क्या है, आसपास क्या क्या ये है, वो सब चीज बताते हैं हमको। और जैसे क्या क्या कागजों की क्या जरूरत पड़ती है, जैसे कोई कस्टमर आपसे कोई प्लाट ले रहा है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज लेते हैं बता सकते हैं? जी वो तो अभी उतना आइडिया नहीं है उसका। जी नए है तो जी। प्रॉपर्टी खरीदते समय कस्टमर को जैसे कोई लोकेशन में जाता है कस्टमर आपके पास लेने के लिए, तो वो लोकेशन किस टाइप का उनको बताते हैं, शेयर करते हैं उनसे? जैसे वो पूछते हैं कि हमें नज़दीक में क्या क्या मिलना है, उनके फैसिलिटी के हिसाब से जी उस हिसाब से हम लोग बताते हैं। जैसे पूछते हैं कि नज़दीक में यहाँ पे लेने हमको क्या क्या चीज़ का फायदा होगा, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, ये सब पूछते हैं, ये सब चीज़ बताते हैं। सर जैसे कि आपके पास ये तो हुई अभी प्रॉपर्टी खरीदने की बात, अभी मैं जैसे कि मेरे को प्रॉपर्टी बेचना है जी, तो उसमें आप इंस्पेक्शन क्या करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में? बस यही जाके देखते हैं कितना है, क्या है, डाइवर्टेड है, नॉन डाइवर्सन है, TNC है, ये सब चीज पता करके जी, फिर उसके बाद आसपास क्या रेट चल रहा है वो सब चीज पता करके उसके बाद कस्टमर वगैरह ढूंढते हैं। जैसे कि आप बिल्डर के अंदर काम कर रहे हो, एजेंट के रूप में काम करते हो, उसमें आप कमीशन बेस में हो या सैलरी बेस? सैलरी बेस में सर। ठीक है सर, और जैसे कमीशन बेस आप काम करते हो तो सर उसमें आप क्या फायदा है एजेंट को? वो कमीशन का तो 1% 2% वगैरह देते हैं जी, कोई कोई 3% 5% तक देते हैं।